और चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जीवा हत्याकांड मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। कल रात ही मामले की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंच गई थी। 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हत्या की गई है। 5 से 6 लाख रुपए में ये रिवॉल्वर मिलती है और भारत में अल्फा रिवॉल्वर कारतूस प्रतिबंधित नहीं है। 1.5 से 2 हजार रुपए का रिवॉल्वर का एक कारतूस मिलता है। आमतौर पर इस रिवॉल्वर को पंजाब में लोग शौक से रखते हैं और उसी रिवॉल्वर से हत्या की गई है कल दिन दहाड़े कोर्ट परिसर के अंदर। संजीव जीवा की कल हत्या की गई और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से उसको मौत के घाट उतारा गया। जीवा गोलीकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शूटआउट की प्लानिंग में एक से ज्यादा शूटर्स थे, सोर्स से ये खबर मिल रही है। विजय यादव कोर्ट में अकेला नहीं था, विजय यादव के साथी भी कोर्ट में मौजूद थे। शूटर्स ने प्लान बी भी तैयार रखा था। सोर्सेस से यह खबर है कि जीवा कोर्ट से भागता तो दूसरे साथी उस पर फायर कर देते, यानी कि प्लानिंग पूरी तरह से की गई थी। प्लान ए भी तैयार था और प्लान बी भी तैयार था।